Hello everybody, I welcome you back in the next session of physics, and today we are going to discuss another type of problem on equilibrium, that is equilibrium problems on pendulum. So let's start with our session. So dear students, if we talk about pendulum ke case mein equilibrium problems kaisi aati hai, so let us suppose a general example le lete hain ki hum logo ne do wire बहुत लाइट वायर्स को लिया. लेट अस सपोज इनकी लेंथ हम लोगों ने एल मान ली, ठीक है, और यहां पर एक पार्टिकल लगाया जिसका चार्ज क्यू मास एम, लेट से चार्ज क्यू वन मास एम. अनदर पार्टिकल यहां पे लगाया हम लोगों ने हैविंग चार्ज क्यू टू एंड मास एम. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि दोनों का नेचर सेम है, तो सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. तो अगले ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये दोनों वाले पार्टिकल्स रिपल्शन के कारण दूर दूर हो जाएंगे. तो एज वी नो इनिशियली लेट्स से ये वर्टिकल पोजीशन थी इनकी, जैसे ही हम लोगों ने इनको छोड़ा रिलीज किया बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये वाले पार्टिकल सेपरेट हो गए, ठीक है. तो ये मूव करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे. तो दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, जो कि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एन एक्सेलरेशन पे फोर्स, तो जितना क्यू वन क्यू टू पे फोर्स लगाएगा एफ ऑफ टू बाय वन, सिमिलर फोर्स इतना ही ये लगाएगा एफ ऑफ वन बाय टू. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये अपनी वर्टिकल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से अगर ये एंगल थीटा लेके चलेगा तो ये भी थीटा ही एंगल सस्टेन करने वाला है, ठीक है. अब हम बात करें जो कि इसके पास मास भी है, तो इसके पास एक फोर्स नीचे लगेगा एम इंटू जी, दैट इज ग्रेविटी वाला मास फोर्स, और दूसरा फोर्स नीचे लगेगा एम इंटू जी ग्रेविटी अगेन, ठीक है. नाउ जो कि ये वायर थी तो वायर में एक टेंशन आ जाने वाली है. तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल को एक वायर से अगर हम लटका के उसको छोड़ रिलीज कर देते हैं तो व्हाट विल फाइंड कि बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये दोनों चार्ज पार्टिकल दूर जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पे जितना फोर्स लगाएगा सेकंड वाला पार्टिकल फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ वन टू वेक्टर एफ टू वन वेक्टर के बराबर है. तो अपनी वर्टिकल पोजीशन से जितना एंगल ये वाला पार्टिकल वन सस्टेन करेगा उतना ही एंगल ये वाला सस्टेन करने वाला है. अब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है तो नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इस पे लगने वाले तीन फोर्सेस है, ग्रेविटी, रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टेंशन. तो अगर हम एनालाइज करें तो इस वाले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो व्हाट विल फाइंड कि इन पे तीन फोर्सेस लगने वाले हैं, जो कि तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो पाएगा. तो अब हम लोगों को यहां से इक्वेशन बनानी है और फिर हम लोगों को कोई ना कोई पैरामीटर्स गिवन होंगे और हम लोगों को अननोन पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होंगे. तो लेट अस सपोज सबसे पहले इन दोनों की लेंथ एल थी, तो दिस लेंथ इज एल गिवन टू अस. तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कि एफ ई कितना है. तो एफ ई का तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अगर हमें ये एक्स डिस्टेंस पता लग जाए तो व्हाट विल राइट Fe, this is equals to k q1 q2 by x का होल स्क्वायर. Now what is x? अब हमें x नहीं पता लेकिन हमें ये पता है ये वाली लेंथ l है. If this is l, तो ये वाला पैरामीटर कितना आ जाएगा? l के दो कंपोनेंट कर देंगे, this is l sin theta and this is also l sin theta. तो what will get? x की वैल्यू twice of l sin theta. ठीक है, ओके डन.
f की वैल्यू पता लग गई, mg हमें पता है, t हमें पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस t के दो कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेते हैं। भाई अगर हम t के दो कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, इफ दिस इज थीटा, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल एक्स पैरेलल लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, तो व्हाट विल गेट, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, तो t के दो कंपोनेंट किए अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, व्हाट विल गेट, t cos थीटा, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल व्हाट विल गेट, t sin थीटा। नाउ इस पार्टिकल पर अब चार फोर्सेस लगे, वन इज हॉरिजॉन्टल अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, व्हाट विल गेट, t sin थीटा, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, ऊपर कितना लग रहा है, t cos थीटा, नीचे कितना लग रहा है, mg। सिंस दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, तो व्हाट विल गेट, Fe must be equals to T sin theta and Mg must be equals to T cos theta। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई कि T sin theta Fe के बराबर है, और Fe कितना हमारे पास, K Q1 Q2 by 2L sin theta का होल स्क्वायर, ठीक है, और t cos theta कितना है, mg, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनती है हम लोगों के लिए अगर हम बात करें पेंडुलम प्रॉब्लम्स में। अब इन दो इक्वेशन में देखिए वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, टेंशन वेरिएबल हो सकता है, थीटा वेरिएबल हो सकता है, q1 q2 वेरिएबल हो सकता है, m वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। तो t टेंशन, थीटा, q1 q2 m और l भी वेरिएबल हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, चार, पांच, तो इन क्वेश्चन में हमारे पास नेट इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल कोई भी पांच हो सकते हैं, उन पांच में से कोई भी तीन वेरिएबल आपको गिवन होंगे और आपको दो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एनी टू वेरिएबल। अगर हमें पांच में से कोई भी तीन गिवन होंगे तो हम किन्हीं भी दो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनको डिवाइड भी कर दें तो व्हाट विल गेट, टेंजेंट थीटा एफई बाय एमजी, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टेंजेंट थीटा एफ ई बाई एम जी के बराबर होगा। यानी अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि लेट अस सपोज हम लोगों को गिवन है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम 45 डिग्री पर आ गई है, तो 45 डिग्री पर आ गई है तो अपन लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टेन 45 वन, तो एट इफ थीटा इज 45 गिवन टू अस, ठीक है ना, तो व्हाट विल गेट, टेंजेंट 45 must be equals to Fe by mg, यानी Fe must be equals to mg। वहां से भी हम लोग x mass वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Fe by g क्या आ जाएगा, मास, या Fe by m या mg by whatever, जो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हम we can easily calculate by using this equation। तो this is basic introduction of equilibrium problem in case of pendulum। दोबारा repeat करते हैं, अब हमें इनिशियली दो वायर से हम लोगों ने दो पार्टिकल्स को हिंच किया हुआ था, लटकाया हुआ था, बिकॉज ऑफ सिमिलर नेचर दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे तो धीरे 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 एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे। तो लेट अस सपोज हम लोगों ने माना दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो, तो हम लोगों ने उनको एनालाइज किया कि भैया इस पे कितने फोर्सेज लग रहे, एक तो रिपल्सिव फोर्सेज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड ग्रेविटी के कारण m into g, थर्ड स्ट्रिंग में टेंशन। तो व्हाट विल रियलाइज कि इस पार्टिकल पे जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे t f e m g तीन फोर्सेस लग रहे हैं, सिंस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो वेक्टर सम ऑफ t f e m g मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जीरो है तो हम लोगों ने सबसे पहले f e की वैल्यू कैलकुलेट करी कि f e लगेगा कितना, तो f e का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, k q1 q2 / x स्क्वायर, x इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, तो यहां से हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, बट ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, तो इस वायर का ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वायर का ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल ऐड अप, तो x की वैल्यू आ गई 12 sin थीटा।
नाउ जो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम लोगों ने टी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, वन इज वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वन इज हॉरिजॉन्टल अलोंग। नाउ तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर चार फोर्सेज आ गए इस पार्टिकल पर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को इक्वेट कर दे, वर्टिकल को इक्वेट कर दे, व्हाट विल गेट, टी साइन थीटा अगर हम हॉरिजॉन्टल को इक्वेट कर रहे हैं, टी कोस थीटा वाली टर्म अगर हम वर्टिकल इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेज को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पांच वेरिएबल हो सकती है, लेकिन पांच वेरिएबल इक्वेशन तो हमारे पास तीन ही है। अगर इन पांच में से कोई भी तीन इक्वेशन हमारे पास दो है, अगर इन पांच में से कोई भी तीन वेरिएबल हमें पता होंगे, लेट्स से टी थीटा क्यू हमें पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एम एंड एल। इफ एम एल एंड थीटा आर नॉन टू अस, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट टी एंड क्यू। व्हाटएवर कोई भी तीन वेरिएबल हमें गिवन होंगे, दो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो टी टी विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो व्हाट विल गेट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। अगर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें न्यूमेरिकल थीटा पता है कि कितने एंगल पे वो इक्विलिब्रियम आया है, तो वी कैन इजीली राइट एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन हम लोगों को इजीली हो जाते हैं, कोई ज्यादा लंबा इस पर क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, इसमें कुछ अच्छे वेरिएशन के क्वेश्चन करते हैं कि थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं पहले। अभी हम लोगों ने एनालाइज किया कि जब ये दो पार्टिकल लिए थे, इस Q1 चार्ज मास m, मास m Q2 चार्ज, दोनों का मास सेम लिया था बट चार्जेस अलग अलग थे। तो चार्जेस अलग अलग होने के कारण क्या ये थीटा दोनों का सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? अगर मैं इसको ये ना लेके दोनों को क्यू क्यू ले लेता तो आई थिंक दोनों का थीटा सेम आना था। बट अब अगर मैंने बोल दूं Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्जेस है, क्या अभी भी थीटा सेम रहेगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों का रिपल्सिव फोर्स डायरेक्शन अलग अलग रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चाहे Q1 Q2 की वैल्यू कुछ भी रखे हम लोग, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे। बट अगर मासेस सेम है तो, लेकिन अगर मैं मास को चेंज कर दूं m1 m2 और ये स्पेसिफाई कर दूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या अभी भी थीटा सेम रहेंगे? लेट अस सपोज एनालाइज करते, मैं वर्टिकल पोजीशन, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, दोनों का मास सेम था, थीटा एंगल सेम, लेकिन इसका मास अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ये थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 12 साइन थीटा। अब ये थोड़ा नीचे आए तो डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ेगा, तो ये दूर जाएगा। तो इसका मास ज्यादा है तो एंगल कम हो जाएगा, इसका मास कम है तो एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मासेस सेम होंगे तो चाहे चार्ज का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, हमें थीटा 1 और थीटा 2 विल रिमेन सेम। बट इफ मासेस आर डिफरेंट, तो जिसका मास बड़ा होगा उसका थीटा छोटा हो जाएगा, जिसका मास कम होगा वो थीटा ज्यादा हो जाएगा। लेट अस सपोज इस पे एक अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हम लोगों को एक दीवार पे हम लोगों ने मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज माइनस q, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन d, लेंथ l, ठीक है। तो हमने यहां पे दो पार्टिकल को, अगर मैं इनको रिलीज करूंगा तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, बिल्कुल। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली ये अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल सस्टेन करेगा, उतना ही एंगल ये भी सस्टेन करेगा जो कि अट्रैक्शन का फोर्स है। तो ये किसी भी एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ इनके बीच का सेपरेशन अगर मैं एक्स लगा लेता हूं, तो अट्रैक्टिव फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो
हमें पता लगा एक तो Fe लगा जो कि मास गिवन है, तो mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज इट इज, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज इट इज एंड टेंशन इन अपर डायरेक्शन, जो कि हमें ये L गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट x। तो Fe का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला वही है, k q1 q2 by r square। नाउ दिस इज x। अब x क्या हो जाएगा, अब जो कि हमें पता है ये L लेंथ है हमारे पास, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, L sin theta, ये वाला L sin theta। तो हम क्या लिख सकते हैं, L sin theta plus X plus L sin theta, यानी twice of L sin theta plus X। ये डिस्टेंस हमें गिवन है हाउ मच, d, तो x की वैल्यू d माइनस 2l sin थीटा। ठीक है, यहां से अब हम लोगों को बस सेपरेशन पता लग गया, सिंस तीनों ही दोनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो अगेन हम इनको दोबारा से वही रेजोल्यूशन और वेक्टर्स लगाएंगे और वी कैन इक्वेट इजीली। तो व्हाट विल गेट, अगर हम ये कंडीशन ले, एफ इस डायरेक्शन में है, टेंशन ये डायरेक्शन में है, वर्टिकल से थीटा एंगल गिवन है हमें, तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस इज आल्सो थीटा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एंड अगेन वी कैन इक्वेट बोथ दी फोर्सेस। और इस केस में हमें एफ ई पता लग गया, एफ ई क्या है, क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है टोटल सेपरेशन में से ये वाला सेपरेशन अगर हम माइनस कर दे, तो वी कैन इजीली गेट दी एक्स। नाउ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक और बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है जिनको हम बोलते हैं लैमी थ्योरम। लैमी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और उसके कारण वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, लेट अस सपोज यहां पर हमारे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री, और दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो लेट्स से एफ वन के अपोजिट एंगल है अल्फा, एफ टू के अपोजिट एंगल है बीटा एंड एफ थ्री के अपोजिट एंगल है गामा। तो बाय यूजिंग लैमी थ्योरम का यूज करके हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लैमी थ्योरम क्या कहता है कि एफ वन बाई साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, एफ वन के ऑपोजिट कौन है अल्फा, साइन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एफ टू बाई साइन ऑफ बीटा, मस्ट बी इक्वल टू एफ थ्री बाई साइन ऑफ गामा। ध्यान रखे कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और तीनों के कारण आपकी जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हम लैमी थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखें, तो इस वाले पार्ट में भी हम लोगों ने देखा कि ए पार्ट पे टी लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा एफ ई लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये तीन एंगल पता लग जाए, लेट्स से थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो बाय यूजिंग लैमी थ्योरम व्हाट विल गेट, t by sine of theta 3 must be equals to mg by sine of theta 2 must be equals to fe by sine of theta 1। अब हम इनमें से किन्हीं भी दो इक्वेशन का यूज करके जो भी हमसे पूछा गया है वी कैन इजीली कैलकुलेट दी। अब हमसे बोला गया कैलकुलेट दी टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेट्स सी इसी क्वेश्चन में हमसे बोला गया कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि इक्विलिब्रियम जो आया है अटेन हुआ है वो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे है। ठीक है, थीटा 45 डिग्री पे हमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और हमें क्या निकालना है टेंशन। तो देखिए लैमी थ्योरम का यूज करके हमारे पास कितना ब्रीफ बन जाता है, लेट अस सपोज नाउ दिस थीटा इज 45 गिवन टू अस, तो ये टेंशन है mg और ए लगा एफ पी। ठीक है, चलिए इफ दिस इज 45 डिग्री देन दिस मस्ट बी 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस टोटल एंगल इज 135 डिग्री।
दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 135 डिग्री. बट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन ना. तो हमें पता है टेंशन के ऑपोजिट कितना एंगल आ रहा है. टेंशन के ऑपोजिट आ रहा है टी बाई साइन ऑफ 90 मस्ट बी इक्वल टू, कोई भी एक फोर्स ले लो, एफ ए बाई साइन ऑफ 135 या एम जी बाई साइन ऑफ 135. अगर हमें एफ ई पता है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, अगर हमें एम जी पता है तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, वी कैन इजीली कैलकुलेट टेंशन. तो पेंडुलम के केस में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दोनों ही मेथड ठीक है, इधर बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और बाय लामी थ्योरम. लामी थ्योरम में बस यही याद रखना है कि जो भी वेक्टर जो भी फोर्स लेके चलेंगे उसका ऑपोजिट वाला एंगल का साइन आपको लेके चलना है. आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. जैसे इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं कभी कभार कि देयर आर टू पार्टिकल्स हैविंग चार्ज क्यू.